घर में पापा हमको रख के कि कसू इस विकलांग है तो ये मतलब आगे बढ़ जाएगी कि 15 दिन के अंदर आपके जो भी आपकी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। हम लोगों की वैकेंसी हम उसी में से मांग रहे हैं ना। 14 दिनों का उस वक्त भी इन लोगों से समय टाइम दिया गया। 25 दिन हो गए अभी तक उन मांगों पर ना विचार किया गया ना कोई मांगे मानी गई। राष्ट्रवाद का पता रहता है लेकिन मानवतावाद का पता नहीं है। हमारे पास पुलिस का प्रेशर है कि आप यहां से जाओ आप यहां से हटो। आप इनको भगाते रहेंगे इनको इनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। पब्लिक से पब्लिक परेशान हो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे मालूम है। कोचिंग के लिए पैसे जुटाने में बड़ी दिक्कत होती है बार बार आने में हम लोगों को तो दिक्कत है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से लिए मैं एक संदेश भेजना चाहूंगा कि उन्होंने हमें दिव्यांग नाम तो दे दिया। सरकार जो है वो बहरी हो चुकी है। उस दिव्यांग नाम का लेकर हम क्या करेंगे? पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब सरकार नौकरी नहीं पास भी करो नौकरी नहीं देना चाहती है। मैं जब ही हटूंगा जब रेलवे का कोई सीनियर अफसर आएगा। पिछले 2 दिन से नई दिल्ली मंडी हाउस में दिव्यांग अपनी बातों को लेकर धरना दे रहे हैं और आपको बता दें कि तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीने में जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। ये अपने कैमरा पर्सन से को अगर वो दिखाएं ये जो लोग बैठे हुए हैं तकरीबन 12-14 लोग हैं ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। ये भूख हड़ताल पर यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। इनके साथ साथ देखिए अभी अभी बिल्कुल उन्हें पप्पू यादव जी ने भी यहाँ पर इनको सबको ज्वाइन किया है अभी उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसके अलावा जो पूरे भारत से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो जितने दिव्यांग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। मंडी हाउस के ठीक यानी नई दिल्ली के बीचों बीच मंडी हाउस है और मंडी हाउस पर ये सब लोग इधर बैठे हुए हैं। आपको बता दें जो लंगर है बंगला साहिब गुरुद्वारे से यहाँ पर लंगर आया है बाकायदा इन लोगों के खाने के लिए क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि जो धरने पर बैठे हुए हैं वो तो भूखे हैं ही उनको खाना प्रोवाइड कराना चाहिए। ये गुरुद्वारे की तरफ से बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से यहाँ पर लंगर सबको प्रोवाइड हो रहा है। सब लोग दिव्यांग हैं यहाँ पर तकरीबन 2500 के आसपास तकरीबन 2500 लोग हैं जिनके ज्वाइनिंग लेटर इनको नहीं मिला है। रेलवे में इनका सिलेक्शन हो चुका है और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं जो इनके अध्यक्ष हैं पहले उनसे बातचीत करते हैं कि वो आखिर क्या कहना चाहते हैं। आइए इधर इधर कहीं हैं इनसे बातचीत करेंगे। आइए इधर आइए इधर हैं बताइए क्या मांगे आपकी। सर हमारे डी ग्रुप में रेलवे का एग्जाम क्लियर किया था हमने सर उसमें हमने क्लियर के क्वालिफाइड हो गया सर वो अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं ये मांग है हमारी। हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए सर। ज्वाइनिंग अभी कौन सा एग्जाम था कौन से ग्रुप का था वो डी का? डी ग्रुप का था 2018 वाला था उसको उसमें सबको सिलेक्ट हो चुका था सबको फाइनल हो गया सबको आया है सबको मेल आया है सबको आपका डीवी के लिए बुला रहे हैं सर। इस पूरे संघर्ष जो है मोर्चा बनाया हुआ है संघर्ष मोर्चा बनाया है पूरे भारत का पूरे भारत से लोग आए हुए हैं उनके ये अध्यक्ष उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? नन्हेलाल शर्मा। नन्हेलाल जी बताइए अब क्या सरकार से आप चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए जो रेलवे द्वारा जितनी नौकरी और वैकेंसी निकली हुई है सारी दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजनों कैटेगरी में है तो दिव्यांगजनों को दी जाए। और पिछले 25-30 दिन पहले आंदोलन किया था रेलवे के खिलाफ तो रेलवे ने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आपके जो भी आपकी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा और आपको जवाब भी दिया जाएगा लेकिन 15 से 20 दिन हो गए 25 दिन हो गए अभी तक उन मांगों पर ना विचार किया गया ना ही कोई मांगे मानी गई। हम कल सुबह 5 बजे से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं और आज सुबह से यहाँ पर धारा 144 यहाँ पर लगी हुई है आपसे क्या कह रहे हैं सब? हमारे पास पुलिस का प्रेशर है कि आप यहाँ से जाओ आप यहाँ से हटो। भाई निवेदन भाई रिक्वेस्ट लेके मैंने कहा आप मुझे जहाँ चाहे वहाँ फेंक दें आप लेके मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मैं जब भी हटूंगा जब रेलवे का कोई सीनियर अफसर आएगा या रेल मंत्री आएंगे हमारी बात को सुनेंगे और लिखित में देंगे तभी मैं यहाँ से हटूंगा। पब्लिक यहाँ पर कह रही है वो परेशान है कि पूरा रूट डाइवर्ट हो चुका है पूरे तरीके से यहाँ पर जाम लग रहा है आसपास के इलाकों में। पब्लिक से पब्लिक परेशान हो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे मालूम है तेरा रोग डाइवर्ट किए गए लेकिन पुलिस प्रशासन के जॉइंट सीपी स्पेशल सीपी और डीसीपी महोदय यहाँ पर मौजूद रह रहे हैं। क्या उनके पास इतना पावर नहीं है? रेल के 4 मंत्री हैं किसी मंत्री से मुझे मिला जाता और 17 जवानों के चेयरमैन एक भी चेयरमैन से मुझे किसी मिला जाता क्या 2 दिन से अभी तक उनके पास किसी के पास टाइम नहीं था मिलाने के लिए या कहीं ना कहीं ये हमें कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है इसीलिए मुझे किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई और ना होने दी जा रही बात नहीं होने की ये आपको कैसे पता कि नहीं होने दी जा रही होने इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि कल शाम को प्रेशर था शाम को 4-5 लोग आए पुलिस अफसर के उन्होंने कहा रेलवे बोर्ड में आप चलो हमारे 5 बंदे गए लेकिन 5 बंदे जाने के बाद 4 क्लास लोगों से मुलाकात हुई है जिससे कोई समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला था रेलवे द्वारा। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है इसी पूरे धरने को पप्पू जी ने ज्वाइन किया है। पप्पू जी आपसे जानना चाहूंगा इनका बोलना है कि अभी तक किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई है और बार बार बातें पहुंचाई जा रही है लेकिन वो उधर पहुंची नहीं है बात। अब कह रहे हैं पब्लिक परेशान है नेताओं के रूट जब लगते हैं तब परेशान नहीं होता है
जब पूरा का पूरा इंडिया गेट में डेली नए नए अपने प्रमोशन, ये मैंने पब्लिक की बात रखी है क्योंकि पब्लिक कई चैनल थी, पब्लिक की ही बात रखी है, तो मैंने वही बात कर रहा हूं। नए नए प्रमोशन आप डेली इंडिया गेट पर करते हैं, बंद कर देते हैं पूरा इंडिया गेट को, ये कुंभ में जो आप पूरा बंद कर दिए थे, ये कुंभ जौड़ी है कि इनकी जिंदगी जौड़ी है? अब क्या सरकार से जरूरी नहीं, अब सरकार से क्या चाह रहे हैं, सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? 2 करोड़ लोग ये लोग हैं पूरे देश में, सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? 0.5% एजुकेशन है, और आप जब इनकी जिंदगी, जिनकी जिंदगी को समाज भी है दृष्टि से देखता है और परिवार भी है दृष्टि से देखता है, आप उनके रेस्पेक्ट के लिए क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट, ये जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इशू है कि जब हाई सुप्रीम कोर्ट के और हाईकोर्ट ऑर्डर के बावजूद आप जब इनके आप कानून, मुख्य कानून है आपका, आप राष्ट्रवाद का पता रहता है लेकिन मानवतावाद का पता नहीं है, मानव भक्त का पता ही नहीं, देशभक्त का पता है इन लोगों को। इसलिए मेरा सीधा सवाल है, ये मानव भक्त प्रेम बढ़ा लीजिए, देशभक्त घटा लीजिए। आप सपोर्ट दे रहे हैं इनको, आप कहां तक जाएंगे इनके साथ? सर मैं तो अभी ही रेल के चेयरमैन से बात करूंगा। क्या बोला उन्होंने बताइए? अच्छा अभी करेंगे आप बात? बिल्कुल अभी करेंगे, तुरंत करेंगे। इस बीच में कोई अधिकारी से आपकी तो रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे, आगे भी ये लोग बैठे थे तो हम आए थे तब तक इन लोगों को जबरदस्ती प्रेशर देके हटा दिया गया। पप्पू जी कोई बातचीत हुई अभी अधिकारियों को लेकर, अभी किसी अधिकारी से, रेलवे अधिकारी से कोई बात हुई है? 14 दिनों का उस वक्त भी इन लोगों से समय टाइम दिया गया कि हम 14 दिन के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन फिर ये दोबारा ये लोग 1 महीने के बाद बैठे तो मैं अलग है, ठीक है इनका आप जगह दीजिए, इनको बैठने का आप इनको उपयुक्त जगह दीजिए कि आप कहाँ बैठेंगे, आप इनको भगाते रहेंगे, इनको इनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। लॉ में आस्था नहीं है आपका, आदमी में आस्था नहीं है तो आस्था किस में है इन लोगों का, इनसे सरकार से पूछिए ना। पप्पू जी अभी आखिरी सवाल है, कहां तक इनके साथ जाने वाले हैं आप? सर हर मोड़ तक मैं जाता हूं, अंतिम क्षण तक इनके साथ खड़ा रहूंगा, हर परिस्थिति में इनके साथ खड़ा रहूंगा, हर परिस्थिति में पप्पू जी साथ खड़े रहेंगे इनके, ये बोलना है। देखिये लंगर इस वक्त में सब लोगों का आ रहा है, यहाँ पर पूरे भारत से लोग इधर जमा है, आइए इन सभी बातचीत करते हैं क्योंकि सभी यहाँ पर दिव्यांग लोग मौजूद हैं। दोस्त आपकी भी क्या क्या है, क्या परेशानियों को, कहाँ से आए हो पहले ये बताओ? सर झांसी उत्तर प्रदेश से। झांसी से आए हैं जी, तो ऐसे में आप ये कब तक रहने वाले हो इधर? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएंगी। सर आपको लगता है कि मांगे पूरी होंगी? हाँ लगता है। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से नौकरियों का इस वक्त में अकाल है, नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारों के एग्जाम्स हुए हैं, रिटर्न क्लियर हुए हैं और बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हुई हैं लेकिन नौकरियां नहीं दी गई हैं अभी तक। तो हम लोगों की वैकेंसी हम उसी में से मांग रहे हैं ना, ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि वैकेंसी जो आपका कोटा है वही वही मांग रहे हैं ना, हम लोग तो पेपर पास है ना, सारे लोग जितने बैठे हुए हैं तो हम उसी से मांग रहे हैं। जो इनका हक है, जो इनका राइट है, जो इनका अधिकार है, वही सबसे मांग रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप बताओ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आए हो, तो वेस्ट बंगाल से आप यहाँ से सब ट्रेन से होकर आए आप? हाँ हाँ ट्रेन से। कितने लोग आए हो वहाँ से? वहीं से हम लोग 6 से 7 आदमी आया था, 23 तारीख को और ज्यादा था लेकिन बार बार आने में हम लोगों को तो दिक्कत है, इसीलिए उतना आदमी आ नहीं पाया, आने में भी बहुत बहुत दिक्कत है, बहुत आदमी है, हाथ से चल के आया था लेकिन इस बार तो सबको आने में बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम लोग 6-7 आदमी वेस्ट बंगाल से आया, सभी वेस्ट बंगाल का है हम लोग वेस्ट बंगाल से ये सब लोग आए हैं और बड़ी बात है क्योंकि दिव्यांग है अपने आप में, मुश्किल है इन लोगों के लिए चरना चलना, मूवमेंट करना, एक से दूसरी जगह पर जाना, यहाँ पर आकर सब ये बैठ चुके हैं, अपनी अपनी सारी बातें आप देख सकते हैं कि जो पूरा ये धरना है इस वक्त में, यहाँ पर पूरा जो मंडी हाउस है ये कांग्रेस के बिल्कुल साथ में है मंडी हाउस, और मंडी हाउस के ठीक थोड़ी सी दूरी पर, तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इनकी ये आवाज़ कहाँ तक उस पार्लियामेंट पर जाती है ये तो अभी होना बाकी है और ये पुख्ता तौर के ऊपर अभी नहीं कहा जा सकता कि इनको लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी ज्वाइन होगी या नहीं होगी, यही सवाल उन सब की आंखों में बना हुआ है। कितनी पब्लिक है यहाँ पर? एक और साहब है, इनसे बातचीत करते हैं। आइए दोस्त बताओ कहाँ से आए हो? सर मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आए हो, तो आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी, आपको दे देंगे लेटर? जी जी, संघर्ष हमारा जारी है सर और आगे भी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम यूं ही लड़ते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी बहुत गरीब तबके के लोग हैं, किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, सभी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं,
कोचिंग के लिए पैसे जुटाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कोचिंग के लिए जाना और वहाँ से फिर आना और फिर पढ़ना, सर ये तो हम ही दिव्यांग लोग जानते हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से लिए मैं एक संदेश भेजना चाहूँगा कि उन्होंने हमें दिव्यांग नाम तो दे दिया, लेकिन उस दिव्यांग नाम का लेकर हम क्या करेंगे जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा, हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा, एक शिक्षा हमारे सामने है जिससे कि हम शिक्षा पाकर आगे रोजगार ले सकें और अपने समाज का एक उद्धार कर सकें। अच्छी बात कही है कि दिव्यांग नाम तो दिया है, लेकिन उस दिव्यांग नाम का जो तमगा है, उस तमगे को लेकर क्या करेंगे, इन साहब का ये बोलना है। चलिए और जो लोग उधर, देखिए एक साहब और हैं। हाँ दोस्त, बताओ बताओ क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मैं कोटा राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? मेरा नाम पुरराज मोहल है। सरकार ने जब 2018 की वैकेंसी निकाली थी ग्रुप डी की, तो घपला तो वैकेंसी के नोटिफिकेशन में ही कर देता, जहाँ हमें 1995 के तहत 3% रिजर्वेशन देने का बोल है उसमें, लेकिन हमें पूरा 3% रिजर्वेशन नहीं दिया गया। वहाँ पे हमारी हर जगह 0000 सीटें दी गई, कई जोनों में ज़्यादा कहीं ज़्यादा इस तरीके से दिया गया, जबकि हर कैटेगरी को बराबर बराबर जिनका उनका रिजर्वेशन उतना दिया गया, लेकिन दिव्यांग को पूरा 3% रिजर्वेशन नहीं दिया गया। जब बढ़ा के उन्होंने 4% करा तो वहाँ पर भी उन्होंने घपला कर दिया। 63,202 वैकेंसी का 4% होता है 2546 वैकेंसी, लेकिन हमें सिर्फ 2400 वैकेंसी दी, हमारी 100 सीटें खा गए। पार्लियामेंट यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, आवाज़ पहुँचेगी आपकी? सर जरूर पहुँचेगी, अगर हम यहाँ पर डटे रहेंगे तो हमारी आवाज़ पहुँचेगी। सर जोश है, जज्बा है कि अगर हम डटे रहेंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी। चलिए और अंदर देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कहाँ से आई आप? मुगल सराय से। अरे बाप रे, आप तो बहुत दूर से आई है मुगल सराय से, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपकी आवाज, आपकी बात सत्ता तक पहुंचेगी? ये तो सरकार पे डिपेंड करती है, सरकार जो है वो बहरी हो चुकी है। लास्ट टाइम भी हम लोग ने आया अक्टूबर में, 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर हम लोग ने रहा यहाँ पे, लेकिन शायद वो लोग जो है बहरे हो चुके पूरी तरह से, वो जो है ना वो हम लोग के कैटेगरी में आ गए हैं, वो विकलांग हम लोग हैं, लेकिन वो शायद वो लोग भी वही भी विकलांग। आपने तो एकदम तंज कर दिया, ये सटायर कर दिया आपने उनके ऊपर, क्या बोला चले ठीक है, आपकी अपनी बात है, आपने अपनी बात रखी है। तो घर परिवार आपका सब कैसी तैयारी आप लोग करते हैं? तैयारी करने के बाद एक कॉम्पिटिशन देते हैं, उसके बाद फिर पहुंचते हैं। बिल्कुल परेशानी देखिए बहुत होती है हम लोग के लिए, परमिशन लेना पड़ता है घर में, मम्मी पापा एक तो आने नहीं देते हैं, कहते हैं तुम लोग को उस साथ पे इतना प्रॉब्लम है, अकेले कैसे जाओगे तुम लोग, 12 घंटे का जर्नी है मुगल सराय से यहाँ आने के लिए, ठीक है ऊपर से टिकट नहीं मिलता है, कितनी प्रॉब्लम झेल के हम लोग आते हैं अकेले, बड़ी दिक्कत होती है। आप कहाँ से आई? इधर घूमी, झारखंड। इधर झारखंड से आप पहुंची है, तो ऐसे में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आप कंपटीशन भी कोशिश करती हैं, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं, उसमें पैसा भी खर्च होता है, और उसके बावजूद आपको लेटर नहीं मिलता। लेटर नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग बहुत मुश्किल से, ये रेलवे ग्रुप डी कोई बड़ा जॉब नहीं है, बहुत छोटी सी जॉब है, इसके लिए बहुत मेहनत की है, फिर भी हम लोग का मतलब अभी तक कुछ नहीं खाला, आश्वासन दिया गया है। हम हजारीबाग बहुत छोटा सा शहर है जहाँ पर कोई उतना सुविधा नहीं है, उस सिटी से बाहर में पापा हमको रख के कि कसू विकलांग है तो ये मतलब आगे बढ़ जाएगी, रखे कि पढ़ेगी लिखेगी, लेकिन पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब सरकार नौकरी नहीं, पास भी करो सर नौकरी नहीं देना चाहती है, नौकरी देती ही नहीं है। तो मेरी डिमांड यही है कि सरकार सुने हमारी प्रॉब्लम और हमें नौकरी दे जैसे भी करके, क्योंकि हम पास किए हैं तो उनको फर्ज बनता है कि हमको नौकरी दे। सही बात है, ये एक बड़ी बात है अपने आप में कि पूरी जिंदगी स्कूल में एक टारगेट बनाया जाता है, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से एक तैयारी होती है कंपटीशन की, कंपटीशन देंगे और कंपटीशन देने के बाद सिलेक्शन होगा और जॉब ज्वाइन करेंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट कोई भी हो। अब यहाँ पर वो सारी उम्मीदों के साथ जब ये सारे काम किए जाते हैं और आखिर में लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो नहीं मिलता, और उसके बाद सिर्फ उम्मीदें रह जाती हैं, इंतजार रह जाता है कि अब ज्वाइन करेंगे, लेटर मिलेगा, ज्वाइन करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं मिलता। धरने पर इधर बैठे हुए तो पूरा एक स्ट्रगल पीरियड इन लोगों का चलता है, चाहे वो दिव्यांग हो या नॉर्मल, जो नॉर्मल इंसान है उसका भी यही सिलसिला चलता है, और नौकरियों की हालत इस वक्त में ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा परेशानी है। अब देखना होगा कि ये इनकी आवाज़ 1.5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट में पहुंचती है या ऐसे ही आवाज़ बनकर उन दीवारों से लौट आती है।
कैमरा पर्सन आहिल के साथ मैं अकरम खान द न्यूज़ बास्केट के लिए।